हेलो फ्रेंड्स, तो इस लॉकडाउन के माहौल में अगर आप भी बना रहे हैं डेली टू डेली एक नई रेसिपी अपने बच्चों के लिए, तो आज आप बनाकर देखिए ऑरेंज जेली की रेसिपी, जो कि आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो वेलकम बैक टू अर्चना कुकिंग गैलरी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 2 ऑरेंज का जूस। सो लेट गेट स्टार्टेड दिस रेसिपी। तो मैंने एक ले लिया है छोटा सा पैन, जिसमें मैंने ऑरेंज जूस को ऐड कर दिया है और पैन को बॉइलिंग टेम्परेचर में रख दिया है। और इसमें ऐड किया है शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, क्योंकि ऑरेंज भी थोड़ा मीठा होता है, और अगर आपका ऑरेंज थोड़ा सा भी खट्टा है तो आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जब शुगर थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है, तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैंने 3 टेबल स्पून लिया है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कॉर्नफ्लावर ऐड करी हूँ। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर को पानी में ऐड करके थोड़ा सा गीला करके भी ऐड कर सकते हैं, ताकि गुलथियाँ ना आए। तो लगातार चलाते हुए मैं ऐड करी हूँ यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, जब ये थोड़ा सा थिक होने लगा है, ये देखिए काफ़ी थिक होने लगा है ये, तो पकते पकते ये जब अच्छा खासा थिक हो जाएगा, तब मैं इसमें ऐड करी हूँ पम्पकिन सीड्स। इसे थोड़ा सा और ज़्यादा यम्मी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ऐड करी हूँ वनीला एसेंस। तो ये देखिए, ये काफ़ी थिक हो गया है। तो चलिए इसे सेट करने की तैयारी कर लेते हैं। तो ऑयलिंग ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर बटर पेपर पर ऑयलिंग कर ले रही हूँ, और आप जिस भी बोल में इसे सेट करना चाहते हैं, आप उसमें भी थोड़ा सा ऑयल कर लीजिए, ग्रीस कर लीजिए उसे अच्छे से। बस फिर जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो फिर मैं इस बोल में इसे पोर कर दूँगी। आप चाहें तो इसे 10 टू 15 मिनट के लिए फ्रीजर में भी लगा कर रख सकते हैं। मैं तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर में ही सेट होने दूंगी, और फिर मैं इसे पलट कर इस तरीके से निकाल लूंगी। ये देखिए, मैंने बटर पेपर को भी निकाल लिया है बिल्कुल हल्के हाथों से। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे से जमकर सेट होकर रेडी हो गया है। तो ये बस इसे आप जिस भी शेप में चाहें, उस शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। कितनी अच्छी जेली घर पर रेडी हो गई है। इसे मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी जेली रेडी हो चुकी है, ये देखिए। तो अब बारी आती है इसे थोड़ा सा यम्मी और दिखाने की। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि नारियल के बुरादे में मैंने इसे कोट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए और इसी तरीके से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।